फील्ड से जुड़े हैं और कुछ जीवन में डिफरेंट करना चाहते हैं। एकेडमी इज ए नॉन प्रॉफिट बॉडी। एक कोशिश रहती है कि हमेशा हर विद्या को इस स्तर पे, इस लेवल पे दी जाए ताकि हर व्यक्ति उसको आराम से, आसानी से कर सके, ज्यादा बिना एक्सपेंस के, बिना डेंटिंग ऑफ द पॉकेट उसको एक्टिविटी को कर सके। ये निरंतर कोशिश है और ये कोशिश जारी रहेगी। हमारा एक विजन मिशन है कि विद्या को, वैदिक विद्या को, इस हमारी रूट्स को हर घर में, हर देश, पूरे देश में इसको फैलाया जाए, देश विदेश में फैलाया जाए। अब भारत एक बार फिर जगतगुरु गुरु बने, क्योंकि भारत भारत तो जगत गुरु बनाती है। तो इसी के साथ आज एक बार फिर नई कड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज के नए चैप्टर में आप सबका स्वागत है, आज फैकल्टी का स्वागत है। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू फैकल्टी ऑफ टुडेज, मोनिका अहलूवालिया जी। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू मोनिका जी। मोनिका जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कुछ कहा। आज मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात करूंगी तो उसमें एक ये बिलीफ है कि जब हमें कोई मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी मोनिका जी, प्लीज स्पीक लिटिल लाउड। आपकी आवाज आ रही है बट आप जो लोग हेडफोन नहीं लगा रहे हैं उनको धीरे आएगी, तो थोड़ा लाउड स्पीक बोलिए। मैंने कहा कि आज जो आपने मेरे बारे में जो भी शब्द बोले, मैं उनको बड़े ही प्यार से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जो आज मैं थेरेपी के बारे में बात करने वाली हूँ, उस थेरेपी में एक ये बिलीफ है कि जब हमें कोई प्रेस करता है या हमें कोई कुछ बोलता है अच्छे हमारे बारे में, तो हमारी यूजुअली हैबिट होती है कि हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, आई डोंट डिजर्व, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो मेंशन, या नो वरीज, या हम उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हिजक में कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो एक तरह का जो बिलीफ पैटर्न है, स्पेशली अगर आप हमारे कल्चर में देखें, क्योंकि हम अपने कल्चर में बहुत बिलीव करते हैं कि हमको विनम्रता रखनी चाहिए, हमें अपने आप को ग्राउंडेड रखना चाहिए, हमें अपने आप को बहुत ऊंचा या ऊंची की तरफ देखना या सोचना जो है, हमें शुरू से बचपन से सिखाया जाता है ना, जैसे कि कई मुहावरे होते हैं कि अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, या अपने आप को सीमित रखो। तो वो एक तरह की सोच है, एक तरह का बिलीफ पैटर्न है। तो जो आज हम थेरेपी करने वाले हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव का मतलब माइंड है, तो जो हम माइंड से थॉट करते हैं, अब माइंड और ब्रेन, हम जानते हैं कि हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है। इतना माइंड, इतना ब्रेन होने के बावजूद भी हम पूरी तरह से ब्रेन को यूज नहीं करते हैं, हार्डली 10% ऑफ इट इज यूज्ड, राइट। तो जो ये जो भी यूज भी होता है, उसके बावजूद हमको इतनी दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारे डिफिकल्टीज हैं। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखो तो हर इंसान को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तरह की बीमारी नहीं हो, अगर फिजिकल पेन ना बोला जाए तो कोई मेंटल इशू है, या कहीं ना कहीं इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, एंशियस है, राइट। और ये स्ट्रेस वर्ड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वो एक ऐसा है कि मतलब किसी ने उस दिन बोला कि अगर कोई ये बोले, किसी से पूछे कि भी आपको कोई बीमारी है, और वो भी बोले नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डायबिटीज है, थोड़ी ब्लड प्रेशर है, और हाइपर एसिडिटी है, ये है। सो दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, मतलब इट इज नॉट काउंटेड एज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो इतना कॉमन हो गया, राइट। तो उसी तरह से जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है, इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, चाहे वो बड़ा छोटा बच्चा हो, वो एक साल का बच्चा हो, दो साल का बच्चा हो, जब से वो बोलना शुरू करता है वो स्ट्रेस वर्ड उसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाता है, राइट। तो जो ये थेरेपीज हम करने वाले हैं, ये कोई बहुत ऐसा कुछ अजूबा नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन जो और शायद हमें कहीं ना कहीं मालूम भी है कि जो भी हमारे जो थॉट प्रोसेस है, या जो हम कर रहे हैं, या जो हमारा एक्शन होता है, जैसे कि आज आप 11 बजे हैं सुबह के, आप लोग में से काफी लोग ये सेमिनार वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, राइट। अब ये अटेंड कर रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, या कोई बिलीफ होगा, या आपने
किसी ने आपको कुछ बोला होगा या आपके अंदर कोई ऐसा सोचने का तरीका होगा, राइट, कि भाई अगर मैं अटेंड करूंगी तो मुझे ये फायदा होगा या मुझे, तो एक एक्सपेक्टेशन है, एक लेवल है, एक ये है। जब आप अटेंड कर लोगे, सपोज वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती है या कुछ है, तो उससे आपका बिहेवियर भी चेंज होएगा, या हो सकता है विद इन द सेमिनार इटसेल्फ आपका बिहेवियर चेंज हो जाए थोड़े टाइम बाद। आप सोचने लगो कि अरे मैं तो कुछ और सोच के आई थी और ये तो कुछ और ही बात कर रही है, राइट। तो मतलब हम जब अभी आप यहाँ बैठे हो, क्या आपका माइंड ब्रेन, अगर मैं दोनों को एक ही तरह से रिलेट कर रही हूँ, ऑल्दो दे आर बोथ डिफरेंट, क्या वो यहाँ पे है या किधर है वो? कोई बोलेगा कि किधर है आप? क्या पूरी तरह से जो भी मैं बोल रही हूँ, क्या आप वो पूरी तरह से उसके अंदर हो, या हो सकता है आपके अंदर बहुत से और विचार चल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे ये करना है, मुझे वहां पे वो करना है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है, मुझे साथ साथ ये भी। तो वी आर यूज टू मल्टीटास्किंग, दैट इज अ फैक्ट, कि भाई हमारा ब्रेन जो है, हम कहीं ना कहीं या माइंड हम सोचते हैं कि इट कैन, वन थिंग इज इट वंडर्स, अनदर थिंग इज कि वी आर कैपेबल, एंड वी, हमको लगता है कि हम दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें एक साथ हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो हम 100% तो कोई, कुछ होगा नहीं, मैं कोई जादू टोना नहीं करने वाली हूँ, कोई आपका स्कैनिंग भी नहीं होने वाली है, कुछ नहीं होने वाली है। इवन इफ आई एम अ हीलर, आई एम नॉट, ये सेशन उसके लिए नहीं है। सो आप बिंदास एकदम खुल के आराम से देख सकते हैं और कर सकते हैं, चाहे आप कुकिंग भी कर रहे हैं। अंजलि ने कहा है कि शीज, तो जो ये जो दो जो हम लोग थेरेपीज की बात कर रहे हैं, वो थेरेपीज आर बेसिकली माइंड थेरेपीज, ओके। और उसमें जो मेन आपका जो चीजें जिसको आप ध्यान में देते हो, जो नॉर्मल चीजें हैं, हम जानते हैं हमारे इमोशंस, राइट, हमारे जो भी बिलीव्स हैं, सो अगर आप वो देखो, सीबीटी इज बेस्ड ऑन मॉडल ABC, ओके। ए का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट, जैसे कि अगर आज सपोज मैं वेबिनार ले रही हूँ, इससे पहले भी मैंने वेबिनार लिया है, राइट, लेकिन मैं जब ये वेबिनार में आ रही हूँ तो मुझे, मेरा ध्यान जाता है कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके। अभी मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस है, सपोज वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मेरी क्लास में लोग अटेंड नहीं करते, आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि क्या मैं वर्दी नहीं हूँ, या मैं ठीक से नहीं पढ़ाती हूँ, या मेरा तरीका सही नहीं है, राइट। नाउ ये जो थॉट पैटर्न है वो तो मैं इमिडिएटली रिप्लेस कर सकती हूँ बाय पॉजिटिव अफर्मेशन, है ना, कि नहीं नहीं आई एम वर्दी ऑफ इट, आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल, राइट। लेकिन जब मेरे को रिपीटेटिवली सपोज एक एक्सपीरियंस मिले, ओके, मैं ये क्लास ये ले लिया, फिर उसके बाद मैं दूसरे वेबिनार में आऊँ, फिर वही सेम चीज़ हो, फिर तीसरे में भी यही हो, फिर ऐसे क्लास में, तो क्या होगा, एक मेरे अंदर बिलीफ सेट हो जाएगा, ओके। सो हम जब बोलते हैं बिलीफ, तो हम सोचते हैं कि वो तो बहुत पास्ट का कोई चीज़ है, नो, कभी कभी बिलीव्स या पैटर्न्स आपके, मैं क्या बोल रही हूँ या क्या मेरे दिमाग से निकल, बाहर मेरे वर्ड से निकल रहा है, राइट। सो बेसिकली ये जो हैंगी, जैसे कि अभी बहुत सारे आप लोग NLP के लिए एनरोल हुए हुए हो, NLP पढ़ रहे हो, सो ये सब जो थेरेपीज हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि ये थेरेपीज इंडिया में नहीं थी, या इंडिया में लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या कुछ है, या कुछ एक नई सी उपज हुई है, लेकिन बाहर के लोग, बहुत सारे जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जब वो बहुत सी पढ़ाई करते हैं, बहुत सी चीज़ों को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो कुछ पैटर्न्स, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जब उसके ऊपर रिसर्च की जाती है और उसको अप्लाई किया जाता है, तो एक थेरेपी निकल के आती है, जो कि वो पर्टिकुलर इशू को या बहुत सारे इशूज़ को हैंडल कर सकती है, या उससे उसका रिजल्ट मिलता है, इसलिए वो थेरेपीज फेमस हो जाती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर, ये जो है, इट्स अ जॉइन, दो वर्ड्स का जॉइनिंग है, कॉग्निटिव साइंस, बिहेवियर साइंस, राइट।
तो हमारे अगर साइकोथेरेपी में आप देखो तो देर हैज बीन लॉट ऑफ स्टडी ऑन बिहेवियर पैटर्न्स, कि आदमी कैसे बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, क्या कारण है उसके पीछे, और एट द सेम टाइम माइंड का उसमें क्या रोल है, मतलब दिमाग उसमें किस तरह से वो चीजें उस चीजों को असेंबल करता है या रिएक्ट करता है, राइट? सो ये एक कॉम्बिनेशन है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ऑफ टू थिंग्स, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर. हाँ, तो जो मैं बात कर रही थी, सॉरी फॉर द डिसकनेक्शन, मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. सो हर चीज जो होती है वी शुड एक्सेप्ट इट. जैसे कि इसका एक रिएक्शन हो सकता था कि सपोज ये ब्लैंक आउट हुआ और मैं मतलब डिस्कनेक्शन हुआ, राइट? सो एक नेगेटिव थॉट हो सकता था या डिस्टॉर्टेड थॉट हो सकता था. क्या थॉट हो सकता था आप बताओ? अगर सपोज आप ले रहे हो, ओके, कौन बोलेगा कि सपोज आप वेबिनार ले रहे हो एंड सडनली बीच में बंद हो जाए या आपकी आवाज नहीं सुनाई दे, तो आपके हिसाब से आप क्या सोचोगे? इज इट नॉर्मल, इज इट एबनॉर्मल, या कुछ गड़बड़ है? क्या सोच सकते हो? क्या आपका, आई वॉन्ट टू नो, कौन बताएगा? चैट में नहीं लिखो, बोलो, ऑडियो कोई बोल सकता है? सर अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? हाँ, आप अनम्यूट करिए, आई वॉन्ट टू हियर. क्योंकि क्या है, देखो हम लोग जो है ना, सभी नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत से बिलीव्स होते हैं हमारे अंदर या बहुत से थॉट पैटर्न्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं या लिमिटिंग हो सकते हैं, जो हमको आगे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने देते, राइट? इसीलिए तो हमारे अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं. सो फॉर एग्जांपल, सपोज मैं पूछ रही हूँ, आज तो मैं फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलूंगी. अगर सपोज आप वेबिनार ले रहे होते और ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता उसका? क्या आपको गुस्सा आता? No, ma'am. तो आपको बराबर से लगता, या कभी आपके साथ ऐसा लगता कि अरे हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? No, it's a matter of connectivity actually. We are connected through the internet. Okay. That's why, that's the reason, maybe. Okay. So that means that we are dealing with people who are totally rational. Right? है ना? तो जो जितने भी लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं वो सब रैशनल थॉट्स हैं उनके, दे हैव अ लॉजिकल माइंड, और वो सोचते हैं सही तरीके से, राइट? लेकिन ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होता है या हर इवेंट में नहीं होता है. देर आर टाइम्स जब हम खुद भी इरेशनल हो जाते, राइट? और बहुत बार लोग हमको बोलेंगे कि अरे यू आर नॉट टेकिंग इट इन द राइट वे, है ना? ऐसा कमेंट कभी सुनने को होता है किसी को कि नहीं? क्या आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं ऐसा? एवरी टाइम यू आर राइट, परफेक्टली ओके, करेक्ट. नहीं, ऐसा भी होता है ना? होता है ना. तो जो हर चीज जो होती है, थिंकिंग होती है, जब आज मैं अगर ऐसे बोल दूं कि आई फील कि सपोज 28 लोग हैं अटेंड कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर रैशनल थिंकर्स, सो विल इट बी जनरलाइजेशन? क्या उसको हम जनरलाइजेशन बोलेंगे? जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक सिचुएशन पे सेम पर्सन कैन बिहेव इन अ डिफरेंट वे, राइट? ज्योति में कैन बिहेव इन ज्योतिर्मय, राइट? वर्ड में बराबर से बोल रही हूँ, राइट? हाँ जी. अगर सपोज हो सकता है कोई ऐसा भी जना होता है जिसका मैं वर्ड बराबर से प्रोनाउंस नहीं करती, वो बोलती है क्या यार, यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, आपको आता नहीं है बोलने को, राइट? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह का रिएक्शन होता है, हर तरह का वो होता है, राइट? अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसका मतलब कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो उनका जो बिलीफ सिस्टम है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, they have a very positive belief system, है ना? लेकिन फिर भी suppose आपको learning में कमी आ रही है, या बच्चों relationship में कमी आ रही है, मतलब बराबर से नहीं है, या आपको पैसा earn करने में कमी आ रही है, तो क्यों आप हमेशा फिर आप ऐसा सोचोगे मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी उसके बावजूद मुझे क्यों दिक्कत आती है?
मैं क्यों नहीं अंबानी हूं, मैं क्यों नहीं मोदी हूं, राइट? सो हर कोई ये नहीं बन सकता, पर उसका रीजन क्या है? वो अगर वहां पे हैं या वो वहां पर पहुंचे हैं तो उसके पीछे जरूर उनका कोई ऐसा बिलीफ होगा स्ट्रॉन्ग. ऑफकोर्स एवरीबडी वर्क्स, हर कोई काम करता है, लेकिन कुछ तो उनका माइंड थेरेपी होगी विच हैज मेड देम अचीव दैट, जो वो अचीव वो कर पाए, राइट? पर एट द सेम टाइम हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर कोई अगर वैसा है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हर कोई अगर टीचर है तो वो अंबानी की तरह रिच बन सकता है? बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, राइट? है ना? सो बेसिकली नाउ आई विल कम टू द स्लाइड, आई विल शेयर द स्लाइड, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सा चेंज होएगा. वी विल फील के जब हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात कर रहे हैं, ओके, तो ये एक प्रैक्टिकल थेरेपी है. इट इज नॉट अ थेरेपी, कोई इमोशनल थेरेपी नहीं है. मैं कोई इमोशनल लेक्चर नहीं देने वाली आपको वहां पे, एंड इनफैक्ट हम इमोशनल रीजनिंग में जाते भी नहीं, क्योंकि जब हम अपनी चीजों को इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कि आई एम अ लूजर, आई एम बैड, आई एम लाइक दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा हम लोग कई बार करते हैं ना बिहेव. जब हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे हमको कुछ सुना देते हैं तो हम बोलते हैं हाँ हाँ, योर मदर इज लाइक दिस ओनली, शी डजंट अंडरस्टैंड, वो तो कुछ समझ ही नहीं सकती, उसको कुछ अकल नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, राइट? ये वर्ड्स हम बहुत बार यूज करते हैं, राइट? बट मस्ट बी कि कहीं ना कहीं हम इसमें बिलीव भी करते हैं, राइट? बहुत सी चीजों में हम इसमें बिलीव भी करते हैं कि हाँ, यस, आई एम अ लूजर, आई कैनॉट अचीव या आई कैनॉट वर्क दैट मच, राइट? सो इट्स अ प्रैक्टिकल थेरेपी. इसका मतलब ये भी है कि जो हमारे थॉट पैटर्न्स हैं वो परमानेंट नहीं है, दे कैन बी चेंज्ड, राइट? सो दैट शोज दैट इट्स अ प्रोग्रेसिव थेरेपी. इट्स अ थेरेपी जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपनी चीजों को चेंज करने. दूसरी चीज है, हम इसमें इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं. सो हम एग्जामिन कर रहे हैं हमारे थॉट प्रोसेस की. तो जब हम थॉट्स को एग्जामिन करते हैं उसका मतलब होता है कॉग्निशन, और जब हम उसको रिएक्शन को एग्जामिन करते हैं वो है हमारा बिहेवियर, ओके? सो जो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, इज अ बिहेवियर पार्ट ऑफ इट. एंड व्हेन हम उस पर दिमाग लगाते हैं सोचने के लिए कि हाँ, व्हाई आर वी बिहेविंग लाइक दिस या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इज द कॉग्निशन पार्ट ऑफ इट, ओके? सो बेसिकली इट इज आइडेंटिफाई. मोनिका जी, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा. हाँ जी, जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो ना, ये थोड़ा सा रिपीट करके चलना है एक बार में, एक ही सब्जेक्ट को दो बार, एक लाइन को दो बार, बिकॉज थोड़ा टेक्निकल है, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में टेक्निकलिटीज को. सो आई रिक्वेस्ट इफ यू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन ए वन और ट्वाइस, ठीक है? तो सो दैट पीपल विल एबल टू ग्रैप इट. अच्छा, ठीक है, थैंक यू. सो बेसिकली इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सीबीटी रहेगा वो एक तरह की माइंड थेरेपी है, जिसमें के हम प्रैक्टिकली एक इशू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? और हम जो वो हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, या हमको कोई प्रॉब्लम है, या फिजिकल पेन है, मेंटल इशू है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो अगर हमको रिपीटेडली होता है और उसकी वजह से हमारे लिए वो एक इशू बन जाता है, राइट? मतलब घर में भी आप देखो बहुत बार होता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स में आपका कांस्टेंट झगड़ा होता रहता है, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, है ना? हाँ हाँ, फियर ऑफ रिजेक्शन फील होता है. हाँ, तो जब आप वो सब आपको कांस्टेंटली होता है, जो रिपीटेडली एक पैटर्न होता है या रिपीटेडली एक चीज होती है, तो आपको लगता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, राइट? तब तक तो वो प्रॉब्लम नहीं है, है ना? जब कोई चीज रिपीटेटिवली होती तो ही प्रॉब्लम है ना. अगर वो एक टाइम को हुई, एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ, मैंने रिएक्ट किया, आप बोलोगे ठीक है यार, वो नॉर्मल है, एक सिचुएशन हुई, उसने ऐसा रिएक्ट कर दिया. लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली कुछ चीजों पे अटकती हूँ, कुछ चीजों पे रिएक्ट ऐसे करती हूँ, तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, या कोई उसका ऐसा पैटर्न है,
राइट, कि वो ये सोच रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ या कह रही हूँ वो उसको सही तरीके से नहीं ले पा रही है, राइट, या उस तरीके से नहीं ले पा रही जिस तरह से मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही मैं या वो करने की, राइट. सो जब हम अपने थॉट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, राइट, इट कैन बी अ सेल्फ एग्जामिनेशन. तो सीबीटी आप अपने खुद के लिए भी कर सकते हो, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो. जब आप खुद के लिए करते हो तो आप अपने पैटर्न को एनालाइज करते हो, आप वो थॉट को समझने की कोशिश करते हो, उसके पीछे क्या बिलीफ है, क्या रीजन है, क्यों आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो. अब ये देख सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बिलीव्स जो होती हैं वो कोई ऐसे आसानी से बाहर लेबल होके लगी नहीं होती हैं, राइट. वो ऐसा नहीं होता कि कोई बोल देगा अच्छा आई बिलीव दैट आई एम पावरलेस, आई बिलीव दैट आई एम दिस, ऐसा नहीं होता है, राइट. और बहुत सी बिलीव्स जो होती है उसके पीछे एक और बिलीफ होती है, उसके पीछे एक और बिलीफ होती है. तो इट इज नॉट समथिंग कि भैया एक ही बिलीफ से काम हो जाता है, राइट. सो व्हाट इज टू से इज कि आप अगर ये सोचोगे कि अच्छा इतना सिंपल है तो व्हाट इज द यूज, व्हाई शुड आई डू इट, मेरे को मालूम है ना मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ उसके पीछे में ये कारण है और ये कारण की वजह से मैं रिएक्ट कर रही हूँ, तो मैं वो कारण को चेंज कर देती हूँ, सिंपल है ना. पर क्या हम लोग कर पाते हैं, क्या इतनी आसानी से हम अपने कारण को बदल पाते हैं कि हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं किसी तरह से. तो ये जानते हुए भी कि वो हमारे उस रीजन है, उस चीज का बिहेवियर का रीजन है, हम उसको चेंज नहीं कर पाते, राइट. क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतना डीप रूटेड होता है हमारे अंदर, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है हमारे अंदर, या वो हमारे इतने सबकॉन्शियस माइंड में होता है जो कॉन्शियसली हमको अवेयर नहीं होता है, राइट. दैट इज अ थिंग, है ना. इट इज एवरीथिंग इज नॉट हियर कॉन्शियसली, हमको सब कुछ पता नहीं है. बहुत सी चीजें हैं जो हमारे अंदर है, जो सबकॉन्शियस माइंड का तो इतना बड़ा डेटाबेस है, उसके अंदर तो इतना कुछ सामान है, जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं तब बहुत सी चीजें निकल के आती हैं बाहर, राइट. सो इट इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो थेरेपी है, या जितनी भी आप माइंड थेरेपीज कर रहे हैं, या इवन आप एनएलपी करते हो, या जो भी आप आगे भी अगर थेरेपीज हैं जैसे डीबीटी है, एसीटी है, आपका फोकस जो है वो आपके थॉट बिलीफ एटीट्यूड्स पे ही रहता है. तो यू वर्क ऑलवेज विद दीज थिंग्स ओनली, लेकिन द अप्रोच इज वॉट मैटर्स. हाउ आप कैसे उस पर देखते हो, क्या टेक्निक्स एम्प्लॉय करते हो, वहां पे वो थेरेपी में फर्क आ जाता है. अंडरस्टूड. सो इट इज, बट मेन थिंग इज सीबीटी इज हाईली रिसर्च्ड थेरेपी. सो ये जितनी भी बाहर की थेरेपीज हैं, दैट इज बीन देयर सिंस 1960. सो इट्स अ हाईली रिसर्च थेरेपी एंड इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड. तो हर सेशन जो सीबीटी का होता है वो एक घंटे का होता है, आधे घंटे का होता है. इट इज नॉट समथिंग कि आप छोटा सा शॉर्ट सेशन करके सीबीटी कर सकते हो. ओके, ऑल्दो देयर इज सीबीटी ब्रीफ आल्सो, जिसमें कि आप नंबर ऑफ सेशंस कम कर सकते हो, लेकिन इट इज अ थेरेपी जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है और उसमें गोल ओरिएंटेड है, और गोल आपके और क्लाइंट के बीच में डिसाइड होता है कि मुझे यहां पर पहुंचना है. अब मुझे यहां पे पहुंचना है तो मैं उसमें अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व रख रही हूं. That is another plus point of this. कि आप ऐसा नहीं करते, जो मैंने होमवर्क बोला ना, तो आप ऐसा नहीं करते हो कि आप बोल देते हो कि अच्छा ठीक है मैंने ये प्रिस्क्राइब कर दिया, ये लिख दिया, ये लो और ये करो. नहीं, वो होमवर्क करेगा, वो वर्कशीट भरेगा, वो लेके आएगा, फिर आप देखोगे, आप डिस्कस करोगे और फिर आप आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे. So that is how the CBT works. So it is highly structured, scientific. Proven, researched, lot of work has been done on this therapy, and it is very effective also. But it is more long-term therapies. These are therapies jo jyada time ke liye, which involve more number of sessions. So there is CBT brief also, jisme number of sessions are less. Okay. But isme aisa nahi hai ki you don't do visualization technique or you don't do, you know, like a swapping technique. So the techniques are very different than NLP. They are not similar like that.
कि आप स्मैश कर दो या आप ये डिसएसोसिएट कर दो या ये. यस यू विल सर्टेनली डू इज कि यू विल रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव बिलीफ, बट यू विल गो टू द रूट कॉज एंड यू विल टॉक मोर विद द क्लाइंट. सो हियर यू आर टॉकिंग अलॉट विद द क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट. द सेम वे जब आप सेल्फ के लिए करोगे, यू विल सिट एंड थिंक अबाउट इट अलॉट. इट इज नॉट समथिंग यू नो के okay, I will just, you know, note down something and work on a faster basis on it. Samajh gaye? Is it, am I clear? Koi kuch bolna chahta hai? Don't treat it like a class. Then what is the full term for CBT? CBT is cognitive behavior therapy, na? Okay. Cognitive behavior therapy is the full form of CBT. CBT cognitive means mind, behavior you already know, and therapy aapko malum hai, right? So basically it is a mind tool, hai na? So aapke mind mein faulty programming hai, aur jo hum sabke mind mein hoti hai, thodi bahut faulty programming hoti hai. So we are just trying to rewire it, change it, make it proper so that we can be okay, hai na? And we can progress further, right? So basically, through all these techniques, आप क्या करना चाह रहे हो? आप अपने life का charge लेने की कोशिश कर रहे हो. जो life में आप कहीं ना कहीं किसी और को charge दे रहे हो. You are becoming, that's why empowering. So CBT is empowering. वो client को empower करता है. उसको खुद अपने आप पे भरोसा करने को believe करता है और खुद अपने में changes करने को believe करता है. That is the main thing about the cognitive behavior therapy, that it is very empowering. Okay, वो ये नहीं बोलता कि ठीक है मैं therapist हूँ, I will take charge of your life, मैं आपकी life में changes करता हूँ and आप just follow करो, ये prescription दिया है, ये इस हिसाब से चलो और ऐसा हो जाएगा. नहीं, it tells you कि you are capable and you can do it. So even if मैं आपका हाथ जब छोड़ दूंगी, आप खुद अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे. जैसे हम हैंड होल्डिंग सेशंस करते हैं ना अपने इसमें, हाँ अंशु जी करती हैं कि हैंड होल्डिंग सेशंस या और फैकल्टी करते हैं, इस बेसिकली हम एक तरह से वो आपको इधर से उधर तक लेके, बट फाइनली जो आगे बढ़ना है, जब आप आगे जाओगे व्हेन यू विल स्टार्ट फंक्शनिंग, तो आप अपने आप उतने आत्मनिर्भर होने चाहिए ना. तो आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम सीबीटी करती है उधर तक, फिर उसके बाद आप अपनी राह पे चल पड़ते हो. ओके, so it is reprogramming your mind, stop the habits which doesn't serve you, overcome all the fear and resistance. So कोई भी fear है, कोई भी phobia है, कोई भी anxiety है, stress है, any such things, it is very effective CBT. Okay, so एक तरह से आपके अंदर एक जो critic होता है, जो constantly आपको बोलता है नहीं तू यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं है, तेरे को ये नहीं आता है, राइट? वी ऑल्सो हैव एन इनर क्रिटिक ना, जो हमको कॉन्स्टेंटली स्टॉप करता है चीजों से, या हमको कुछ चीजें नहीं करने देता. हमारे यहाँ डर क्या है? डर क्या बाहर से उपज होता है? डर हमारे अंदर ही है ना, राइट? आज सपोज ज्योति मे के सामने एक लिजर्ड आती है, और मेरे सामने एक लिजर्ड आती है, राइट? माई रिएक्शन टू लिजर्ड एंड योर रिएक्शन टू लिजर्ड कैन बी डिफरेंट, है ना? हो सकता है आपको बचपन में आपकी माँ ने बोला अरे यार छिपकली जो थी ना बहुत काट लेती है, अगर दूध में गिर गई तो जहर हो जाता है. क्या ऐसा आपने कभी हुआ है? आपको एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? लेकिन आपने सुना है, राइट? तो जैसे ही आप छिपकली को दूध उबाल रहे हो, छिपकली को आसपास देखते हो, आपके दिमाग में आता है उसको या तो भगाओ मारो, या आपको खुद डर लगता है तो आप अपने हस्बैंड को बुलाओगे या बच्चे को बुलाओगे, बोलोगे यार यार मुझे डर लगता है उसको भगाओ, राइट? 90% अगर आप देखो इंडियन लेडीज, या आई डोंट नो यहाँ पे तो छिपकली नहीं होती इतनी, लेकिन इंडियन लेडीज को डर होता है, फर्स्ट डर होगा छिपकली से, होता है कि नहीं होता है? Yes, right? So, जो डर है, क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्या उसने आके काटा है आपको? No, believe. Experience. तो हाँ, तो इट इज बेस्ड ऑन समथिंग यू हैव हर्ड एंड दैट हैज परमानेंटली बिकम अ बिलीफ इन योर माइंड. आपको मालूम है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हमारे ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जो भी होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर ही होते हैं,
यू नो मेजोरिटी ऑफ द टेस्टिंग मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर डन ऑन एनिमल्स राइट, और उसमें माइस सबसे ज्यादा यूज होता है, चूहे को बहुत हम लोग यूज करते हैं है ना। तो चूहे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि ये है एपिजेनेटिक्स का मतलब कि ओवर द जनरेशन ऑल्सो कैसे एक ट्रॉमा एक स्ट्रेस या एक पर्टिकुलर इंडिकेशन पास होता है राइट। इवन वी आर अवेयर ऑफ दैट, हमको मालूम है कि थ्रू डीएनए हमारे अंदर वो भी सेल्स हैं या वो चीजें भी हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने एक्सपीरियंस की राइट। सो आज जैसे उनको माइस को एक टॉर्चर दिया जाता था ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, तो 3-4 बैचेस को ऐसा किया गया, फर्स्ट बैच फिर उनके बच्चे हुए उसको भी किया गया, फिर उनके बच्चे हुए उसको भी किया गया, फिर उनके बच्चे हुए उसको भी किया गया। जब 5th या 4th जनरेशन पे वो आए उन्होंने स्टॉप किया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जब वो सिचुएशन आई उनको वो स्ट्रेस या ट्रॉमा पेन फील हुआ। ओके सो कैसे फील हुआ? बिकॉज समवेयर उनकी बॉडी में वो सेल्स हैं व्हिच हैज ट्रैवल्ड थ्रू, हाँ सो दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट फील। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीपल लाइक आई मीन सिंस एज इंडियंस वी हैव एक्सपीरियंस पार्टीशन राइट। सो हमारे पेरेंट्स ने पार्टीशन का ट्रॉमा फेस किया या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज की जनरेशन में भी वी फील द इम्पैक्ट ऑफ इट। हम नए जगह पे जाते हैं हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा डर लगता है, वी फील अनस्टेबल। सो व्हाई? बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग डाउन थ्रू द ट्रांस जनरेशनल टू अस, अंडरस्टैंड? सो बिलीव्स आर नॉट जस्ट टूडे, दे आर नॉट करंट, दे आर देयर फ्रॉम, एज आपने थीटा वीटा पढ़ा है यू नो देर आर 4 लेवल्स ऑफ बिलीफ राइट। देर इज एन एंसेस्टर बिलीफ, सोल बिलीफ, देर इज पास लाइफ बिलीफ, देर इज करंट लाइफ बिलीफ राइट। सो ये जो है बेसिकली सीबीटी इज बेसिकली देखना है कि आपका जो आप रिएक्शन कर रहे हो या आपका जो सर्कमस्टांसेस है आप क्यों उसमें ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, उसके पीछे क्या आपका बिलीव पैटर्न है, और फिर उस पर रीवर्क करके टू मेक यू नॉर्मल सो दैट यू डोंट बिहेव इन दैट पैटर्न। ओके दैट इज वॉट वी आर डूइंग इन दिस। सो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट सेइंग वी आर क्योरिंग, वी आर प्रिवेंटिंग। ओके मतलब आगे ऐसी सिचुएशन ना आए या आगे ऐसी चीज नहीं हुए हम उसको प्रिवेंट करते हैं। ओके क्योर तो डॉक्टर करता है, दवाई देना क्योर करना इज अ पार्ट ऑफ डॉक्टर मेडिसिन, बट वॉट ऑल द ऑल्टरनेट मेडिकल थेरेपीज और इवन थेरेपीज थेरेपेटिक थेरेपीज देयर पर्पस इज टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है यू गो टू अ साइकेट्रिक, यू डोंट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट राइट। समटाइम्स देन यू हैव टू टेक द ट्रॉमा ट्रीटमेंट, यू हैव टू टेक मेडिसिंस। सो वो भी अंडरस्टैंडिंग कि वेन यू कैन ट्रीट समबडी और वेन यू कैन लुक एट समवन और कब आपको वो चीज को बोलना है नहीं this is not part of my job, I cannot do it, it has gone beyond my reach. Okay, so that also understanding what sort of questions you have to ask, so whole process will be explained to you ki how aap hai, and there are many other psychological tools which are good for self development. Abhi jaise maine padhai ki tabhi maine psychology mein padhai nahi ki, lekin aaj mujhe lagta hai agar mujhe padhai karni hoti to main psychology mein hi padhai karti. Theek hai, so many of us जब हमने पढ़ाई की है तब साइकोलॉजी वॉज नॉट अ फेमस ब्रांच, और हमारे अंदर बिलीव सिस्टम अगेन क्या था, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या ये करो, दैट्स अगेन अ बिलीव सिस्टम राइट। एंड वी बिलीव के इफ यू स्टडी दिस देन ओनली यू आर इंटेलिजेंट, अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेते हो तो आपको कम मार्क्स मिले इसलिए आप आर्ट्स में जाते हो, है ना, यही बिलीफ होता था ना। पर आज अगर आप देखो देर आर मेनी स्टूडेंट्स या मेनी चिल्ड्रन हु आर गोइंग फॉर आर्ट्स, that's their first choice, है ना, वो first choice है उनकी। So that beliefs also change over period of time, they don't remain constant. लेकिन there are some underlying beliefs कुछ ऐसी होती हैं जो core beliefs हैं, core values हैं, वो हमेशा रहती हैं। एक country की रहती है, एक citizen की रहती है, एक government की रहती है, एक लोगों की रहती है, एक culture की होती है, right? It is not just कि आपकी beliefs सिर्फ एक individual के level पे होती है। बहुत से लेवल्स पे बिसाइड्स योर 4 लेवल्स छोड़ो कल्चरली यू आल्सो हैव बिलीव्स, आई हैव अ बिलीव सिस्टम, आई बिलीव इन दिस, एज अ कंट्री यू हैव अ बिलीव,
एज अ गवर्नमेंट यू हैव अ बिलीव राइट एंड दैट इज वॉट इम्पैक्ट आप वो देख सकते हो लोगों में लोगों के तरीकों में लोगों के बात करने के तरीकों में लोगों के एक्सेप्टेंस के तरीकों में प्रोग्रेस कैसे करता है इंसान उसमें आप सब देख सकते हो कहीं ना कहीं वो हिंडर करती हैं आप कोई भी कंट्री में चले जाओ आप अपना बिलीफ पैटर्न लेके जाओगे अपने साथ राइट आप क्योंकि आप स्ट्रिक्टली उसके साथ रहना चाहते हो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप अलग दिखो देन योर ओन कम्युनिटी राइट चले भले ही हम ड्रेसअप कैसे भी हो लें कपड़े कैसे भी पहन लें लेकिन अंदर से हम हिंदुस्तानी ही रहना चाहते हैं ना बिकॉज दैट इज आवर आइडेंटिटी इशू वी डोंट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम आवर आइडेंटिटी राइट सो एनीवे दैट इज नॉट समथिंग विच इज डिस्कस्ड इन अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लेकिन इट्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हाउ माइंड ऑपरेट्स हमारा जो माइंड है वो कैसे थॉट पैटर्न्स क्रिएट करता है so if we understand all that so we can work on it better okay so directly emotions are difficult to change so jaise maine bola ki it's not that ki agar main aapko bolu aapko gussa kyun aa raha hai gussa hone se kisko fayda hota hai jyoti aapko fayda hota hai jo gussa hone se nahi hota hai na fir bhi aap gussa kabhi karoge hi na fir bhi jab gussa aata hai to gussa nikalna hai na right तो अब उस टाइम मैं आपको कितना भी रैशनैलिटी बता दूं लॉजिकल बता दूं बोल दूं कि नहीं ये सही नहीं है आपको तबीयत खराब होगी आपकी खुद की हेल्थ खराब होगी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला फर्क आपको ही पड़ेगा गुस्सा आपको ही अफेक्ट करेगा उसके बावजूद क्या आप गुस्सा नहीं होते ऐसा कोई है जो गुस्सा नहीं होता है कोई यहाँ पे रेस कर सकता है कि किसी को कभी गुस्सा नहीं आता है या वो इलॉजिकली कभी बात नहीं करता या इरेशनली कभी रिएक्ट नहीं करता ऐसा कोई भी जना है क्या तो भाई बोलो मैं सच में उसके दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा हाँ हेलो कोई कुछ कह रहा था क्या आप लोग डर किस लिए रहे हो बोलने से कुछ बिलीफ सिस्टम है अगर बोला तो मैम कुछ करेंगे तो ये जैसे बात जस्ट आई विल गिव अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ REBT एंड CBT सो बेसिकली एज आई सेड कि ये कोई रिसेंटली नहीं है NLP हैज कम इन 1970 जी मोनिका जी चैट के ऊपर ना जूही जी का एक क्वेश्चन है तो क्या आप ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का स्टडी करवाएंगे तो कैन यू प्लीज आंसर ऑफ कोर्स कई बार क्वेश्चन ले लीजिएगा उसके बिना तो आपका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगा ना ट्रीटमेंट मतलब आपका जो भी चेंज करना है वो कब चेंज होगा जब आप उसको बिलीफ को आइडेंटिफाई करोगे उसको रिप्लेस करोगे तभी तो ये मतलब देखो जब हम क्लाइंट के बारे में बोल रहे हो उसमें मैंने बोला आई विल जस्ट वन मिनट आई लाइक टू शो यू समथिंग शो नहीं करूंगी एक ओके ये प्रिंसिपल्स हैं ABC ओके सो ABC एक्चुअली दीज आर प्रिंसिपल मॉडल ऑफ REBT एज आई सेड वो CBT से पहले डेवलप हुआ REBT इज रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब कि हमारा रैशनल बिलीव्स होने चाहिए हम क्योंकि हमारी बिलीव्स इलॉजिकल होती हैं लिमिटिंग होती हैं बिलीव्स तो हर एक में होती हैं लेकिन इफ दे आर रैशनल एंड वी आर दे आर रिप्लेस बाय रैशनल बिलीव देन वी कैन हैव अ प्रॉपर रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर इशू ओके सो ए इज द इवेंट दैट इज कुछ हुआ आपने एक तरह से बिहेव किया जैसे गुस्सा आया मुझे स्ट्रेस हुआ एंशियस एंजाइटी राइट बी इज व्हाट रिएक्टिंग टू इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन राइट जो सेम सिचुएशन में आप अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हो मैं अलग तरह से रिएक्ट कर रही हूँ तीसरा अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है क्यों अलग तरह से क्योंकि हमारे अलग अलग बिलीफ है मेरे सामने कोई बोले कि अच्छा आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हो मैं बोलूंगी क्यों मैं तो पहन सकती हूँ आई डोंट बिलीव इन इट राइट Maybe I'm coming from a different belief pattern and I feel ke yes, it is right.
दैट इज आई हैव नो इश्यू विद इट. दूसरा बोलेगा नहीं नहीं द पर्सन हू हैज पास द कमेंट हैज सम बिलीफ अबाउट क्लोथिंग और वॉट एवर स्टाइल राइट. सो ही इज सेइंग द स्टेटमेंट ऑन दैट. थर्ड पर्सन हो सकता है नाराज हो जाए बोले कि अरे उसने ऐसा क्यों बोला. दैट मीन्स समवेयर सॉरी आई एम नॉट एक्सेप्टेड राइट. सो रिएक्शन टू अ सिचुएशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सिचुएशन इज सेम राइट. नाउ कॉन्सिक्वेंस उसका क्या होता है. जो बिहेवियर आता है मतलब एक इवेंट है. इवेंट है कि सपोज धमाका हुआ ओके कुछ धमाका हुआ वहां पे या सपोज लेट अस से अभी पठान पिक्चर रिलीज हुई है ना ओके तो हम बोल सकते हैं कि सपोज उसका सॉन्ग है ना उसके सॉन्ग के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हुई राइट. तो वो सॉन्ग को हम ले लें राइट. तो वो सॉन्ग के ऊपर बैनिंग आया बैन दैट सॉन्ग ओके. रिएक्शन ऑफ पीपल आप वो नेटजिन वो क्या आता है ना सबके रिएक्शंस आते हैं ना कमेंट्स आते हैं. हर एक जना अलग अलग कमेंट पास करता है. कोई बोलता है कि नहीं दिस इज अगेंस्ट आवर संस्कृति दिस इज अगेंस्ट आवर दिस थिंग. कोई बोलेगा अरे व्हाट गोज रॉन्ग यू एंजॉय. थर्ड पर्सन बोलेगा कि अरे वी नीड टू बी प्रोग्रेसिव. अलग अलग रिएक्शन आएंगे डिपेंडिंग ऑन द बिलीफ ऑफ द पर्सन. कुछ फॉल्स बिलीफ भी हो सकते हैं कुछ प्रोजेक्शन भी हो सकती है. आई कैन ऑलवेज प्रोजेक्ट ऑल्सो एज समथिंग आई मे नॉट बिलीव इन इट राइट. सो और फिर उसका क्या बिहेवियर होगा कि द पिक्चर इज के पोस्टर्स जला दिए. किसी ने कुछ पोस्टर्स जला दिए किसी ने थिएटर के बाहर बंद कर दिया राइट. सो दैट इज जो इनैक्ट करते हैं जो बिहेव किया ओके. सो इट स्टार्टेड विद एन इवेंट देर इज अ बिलीफ एंड वी रिएक्टेड इन अ पर्टिकुलर वे ओके. दिस इज द सर्कल ऑफ द सीबीटी और ऑफ REBT also. Now when the person comes, आप बोलोगे अगर ये सर्कल है तो मुझे मालूम है ये इवेंट हुआ इसमें मैं इसमें ये बोला गया मेरा बिलीफ था और मैंने ऐसे रिएक्ट किया. सिंपल ना. अगर मैं ध्यान से बैठ के सोचू तो मैं ऐसा बोलूंगी कि हाँ ठीक है ना ये इवेंट था मेरा बिलीफ है कि नो आई बिलीव दैट वी शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड वी शुड नॉट डू सच एक्ट्स. And third is, so I behaved in this, so I can rectify it. What is the problem? But I am unable to rectify it because that belief is deep rooted and wo belief ke piche koi reason hai. Right? Maybe my mother told me like that. When I was a child, main ja rahi thi, to kisi ne aisa bola, kisi, how are you wearing it? How, what clothes are you wearing? Yeah, there can be different things behind that belief. Why that belief has been formed, right? So, इसलिए the best thing is जब client आपके पास आता है या I am only a client, आप उल्टा react करते हो. मैंने ऐसा behave किया, आप उल्टा चलते हो. मैंने ऐसा behave किया, उसके पीछे मेरा क्या belief था और वो event कैसा था, क्या हुआ? Okay? So ये ऐसे करने की बजाय ये जो simple चीज है क्योंकि ये पर वो हमको समझ में नहीं आती तो हम सोचते हैं कि अच्छा आज मैंने मुझे गुस्सा आया. क्यों गुस्सा आया? क्योंकि मेरे पीछे वो रीजन है मेरा ये बिलीफ है और उसके लिए मैंने ये इवेंट रिस्पॉन्सिबल है ये इवेंट में मैंने ऐसा बिहेव किया ओके. तो ये इस तरह से होता है. तो यस बिलीफ जो आपने क्वेश्चन पूछा है बिलीफ पे वर्क होता है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्क विच इज डन एंड इन REBT तो बहुत अच्छी तरह से उस पर काम किया जाता है. वो बिलीफ को रिप्लेस किया जाता है पॉजिटिव बिलीफ पे और फिर उसके बाद उस बहुत सारी एक्सरसाइजेस की जाती है जिसके थ्रू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके बारे में बाहर आती है और आप उस पर वर्क करते हो. आई होप दैट इज दैट आंसर्स द क्वेश्चन. सो हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही ज्योति. यू आर ट्राइंग टू से समथिंग. सो बेसिकली जो थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड ये नहीं है कि हम सोच सोच के काम करते हैं. देयर आर मेनी थॉट्स जो एब्रप्टली अपने आप होते हैं ओके. और एक बात बैकअप भी माइंड और कुछ होता है फिर और कुछ एक्शन में होता है तो वो क्या होता है फिर क्या क्या मैं समझ नहीं पा रही. हाँ
आप क्या बोल रहे बैकअप के माइंड और कुछ सोचता है बट एक्शन में और कुछ होता है तो आई मीन बट इज द डिफरेंस बिटवीन हाँ मतलब के समवेयर योर रिएक्शन द कनेक्शन बिटवीन योर रिएक्शन एंड व्हाट योर थिंकिंग द थॉट प्रोसेस दैट इज आप वो बोल रहे हो कि वो दोनों के बीच में डिस्पैरिटी है राइट इट इज नॉट कनेक्टेड यू आर वर्किंग हम लोग जो एक्शन होता है ना वो कंसियस सबकॉन्शियस माइंड जो सोचते हैं वो लोग मतलब वो नहीं कर पाते तो हम लोग चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन में इक्वल करना चाहते हैं बिकॉज क्या होता है जब हम जैसे कि यहाँ पे हम किसी चीज के लिए रिएक्ट कर रहे हैं राइट सो अभी मैं सोच समझ के रिएक्ट कर रही हूँ है ना आप सोच समझ के रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि आप कॉन्शियसली अवेयर हो राइट आपको मालूम है कि आपको ऐसे रिएक्ट करना है ना लेकिन जब कोई सिचुएशन सडनली आती है तब जो इसीलिए उसको ऑटोमेटिक थॉट बोलते हैं उसमें आपने सोचा नहीं है कि आपको ऐसा रिएक्ट करना है बट वो ऑटोमेटिकली वो थॉट प्रोसेस क्योंकि आपकी एक बिलीफ है वो बाहर आएगा कहीं ना कहीं से दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस यस करेक्ट सो वी आर नॉट अवेयर कि व्हाई वी आर रिएक्टिंग बिकॉज इट इज इन आवर सबकॉन्शियस माइंड बट हम ज्यादातर थेरेपी से क्या करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से हम कॉन्शियस माइंड की तरफ लाते हैं और फिर कॉन्शियस माइंड उसको समझ पाता है और फिर उसको रैशनलाइज कर पाता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए राइट जो फिल्टरिंग ऑफ द माइंड है वो यही कर सकता है कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड फिल्टरिंग नहीं करता है वो सारी चीजों को डालता जाता है इट इज लाइक आप एक बॉक्स बना लो उसके अंदर सारी चीजें डाल दो राइट आप पूरे भरते जाते हो कहां पे भी कोई चीज पड़ी हुई है राइट उसमें आपने कोई ये नहीं किया कि आपने उसमें छाना है देखा है क्या सही है क्या गलत है फिर उसके हिसाब से आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है ऐसा नहीं किया आपने राइट आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं जितनी भी आपके ओवर द पास्ट लाइफ है सब कुछ है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है कहीं ना कहीं किसी कोने में राइट और जब आप कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हो तो आपको सब सिखाया जाता है दिस इज द वे यू आर सपोज टू बिहेव दिस इज द वे यू आर सपोज टू गो इस तरह से उठना है इस तरह से ये करना है सो इट इज अ कंडीशन्ड माइंड विच नोज कंडीशंस विच वेयर यू फॉलो द कंडीशंस राइट सो दैट्स वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू जो आपका वो है बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से बाहर निकल के आ रहा है यू आर रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे ओके हम लोग बहुत सारे तरह के नेगेटिव थॉट्स को देखेंगे क्या क्या तरह के नेगेटिव थॉट्स होते हैं क्या क्या चीजें होती हैं उनके पीछे ओके जैसे कि हम कैसे ओवर जनरलाइजेशन है या हम लेबल कर देते हैं जैसे कि हम कोई चीजें अगर हमारे साथ कंटिन्यूसली होती हैं या कोई जना हमारी तरफ अलग तरह से रिएक्ट करता है तो हम उसको लेबल कर देते हैं उसी तरह से हम बाहर वालों को लेबल करते हैं वो तो ठीक है हम अपने आप को भी बहुत सी चीजों में लेबल करते हैं मुझ में ये चीजें हैं मुझे ये चीजें आती हैं मैं ये चीजें कर सकती हूँ मैं इस तरह का इंसान हूँ राइट हम आपसे कोई भी पूछेगा ना ज्योति आप किस तरह के इंसान हो तो आप इमीडिएटली बोल दोगे आई एम वेरी सॉफ्ट आई एम वेरी डेलिकेट आई एम वेरी शाय मतलब आप लेबल कर रहे हो ना समवेयर यू हैव डिसाइडेड दीज आर योर पैरामीटर्स राइट सो वी नॉट लेबल जस्ट अदर्स हम अपने आप को भी लेबल करते हैं मे बी वी मे नॉट बी दैट वी वॉन्ट टू बी लाइक दैट वी वॉन्ट टू बी सीन लाइक दैट राइट सो इसीलिए जब इवन आपका क्लाइंट आके आपको स्टोरी बताता है कि दे टॉक अबाउट मी लाइक दिस दे से लाइक दिस अबाउट मी दे आर थिंकिंग आई एम बैड हु आर दे देन व्हेन यू आस्क देम के हु आर दे नो माय मदर फादर दे थिंक के आई एम इररिस्पॉन्सिबल आई एम नॉट गुड आई एम बैड ओके यू डोंट थिंक लाइक दैट आई एम नॉट लाइक राइट सो वो मेरा मेरे बारे में परसेप्शन है वो लोगों का मेरे बारे में परसेप्शन है राइट नाउ इन दिस द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज व्हाट इज द करेक्ट परसेप्शन दैट इज व्हाट द क्लाइंट नीड्स टू सी कि व्हाट इज द करेक्ट थिंग
बट एट द सेम टाइम आप ये थेरेपी में ये नहीं करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि अरे नहीं नहीं आप बेवकूफ हो, आप ऐसे हो, आपको कुछ आता नहीं है. That is not the purpose. You're not trying to insult a client. You're not trying to dig into a client's reason. जैसे उसका कोई belief है, वो form हुआ है, okay. But you're not trying to go into के अच्छा, you know, this is a wrong belief and this is this and that. आप ऐसा सोचते हो, इसकी वजह से ऐसा होता है ये वो. You are trying to empathize with a client. अंडरस्टैंड के क्लाइंट का एक बिलीफ है वो किस रीजन से फॉर्म हुआ एंड मेक हिम ज्यादा करते हैं. यस अंडरस्टैंडिंग नहीं करते सिचुएशन जो भी पर्सन. जब आप रिलेट करोगे ना कि देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट अबाउट बिहेविंग ओके, बट इफ आई विल नेगेट माई सेल्फ, अगर मैं पहले से ही बोल दूंगी कि हाँ ये मेरा गलत बिलीफ ही है, मैं इसलिए इसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो फिर वहां पे आपको उससे भरने में हाउ विल आप उभरोगे कैसे. तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी वो शक्ति देनी है कि हाँ मुझ में वो पावर है चेंज करने की. अगर ये फॉर्म हुआ है ठीक है, इट इज बीन फॉर्म, देर इज अ इशू, आई अंडरस्टैंड इट इन रैशनली लॉजिकली कि हाँ बिकॉज ऑफ दीज ऐसे ऐसे से करके ये बिलीफ मेरा फॉर्म हो गया एंड दैट्स वाई आई एम रिएक्टिंग. Okay, so it's not an approach where you're trying to, you know, too much of, aisa nahi aap karte ho ke you insult someone. That is also will be taught ke how you conduct a session, how you talk to people, how you go into the, because these are all therapies which require a lot of softness towards people, understanding of people. Okay, I mean, to a depressed person, you can't say, ki, are, why are you feeling depressed? Why can't you be strong? Why can't you think like this? If you are going to tell me that, I will say, okay, bullshit, yeah, I don't understand. Matlab, kai log aise gaali bhi dete na, mere ko nahi samajhta yaar, aap kya bol rahe ho? Aur mere hisab se, mere ko is time bahut dar lag raha hai. Aapko dar lagta ho, nahi lagta ho, mujhe malum nahi, par mujhe to dar lag raha hai. Right? So, all these things, ke what type of questioning, kis tarah se aapko wo client ke saath deal karna hai, kis tarah se baithna hai. Although we will not be, because we all are not psychology students and are not a going to be a therapist and all. You cannot practice therapy unless you are a psychologist or this thing. But you can always be a counselor. You can be a life coach, strategic counselor or something, and then use all these therapies. So, aapko intrication of therapies bhi sikhaya jaye. मतलब आई डोंट जस्ट वर्क विथ जस्ट सीबीटी एंड विद आरईबीटी सेपरेटली, दे आर बिकॉज दे आर डिफरेंट थेरेपी. यू कैन कंबाइन देम टुगेदर, यूज सम पार्ट ऑफ दिस थेरेपी विद दिस थेरेपी एंड देन यूज इट एंड गिव दी, बिकॉज फाइनली आपका पर्पस क्या है, क्लाइंट को पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, क्लाइंट को हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, क्लाइंट का इशू सॉल्व होना चाहिए, दैट इज द मेन पर्पस. ओके, so you can integrate lot of therapies and that's why mere har ek course mein ya even in other things I always believe ke aap integration karna bahut zaruri hai. You cannot stick to a one particular thing just like that. So first you learn, aap ek cheez sikho, dusri cheez sikho aur fir jo best of the cheez hai usko employ karo and use it. That is how yes Monika ji, Juhi ji ke yahan pe do question hai. EFT training does same. How does this info would help a person? So, dusra question hai, is it a professional course or for personal use? I think second question answer to ye ki, this is a professional course where you learn, you use for yourself and then go for the practice. Correct. Right. So, this is right. The answer for second question. EFT training is a separate training. I mean, that's not the EFT, is a separate working altogether. I mean, Monika ji, you please clarify to her. EFT training and this she has asked about EFT in this. Yes, EFT training does same. EFT is a separate. EFT tapping hoti na. Yes, emotional freedom technique. Maybe she must have bought kyunki maine wo in my holistic therapy I have taught one two chapters on EFT na, so isliye wo soch rahi hungi. But wo EFT is a tapping technique. Which has, technique. Yes. Haanji, haan. It has no connection with REBT and CBT. Lekin, if you want, you can use some of the techniques for removing the stress.
सो इन ई एफ टी ऑल्सो वी यूज फॉर, बट ये इज कंसर्न अबाउट सीबीटी एंड आर ई बी टी. मतलब दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से, कि हर थेरेपी में सोल्यूशंस होते हैं टू डू वर्क ऑन बिलीव और वर्क ऑन इशूज और वर्क ऑन प्रॉब्लम्स. लेकिन हर थेरेपी का अलग अलग तरीका होता है. तो ई एफ टी इज मोर ऑफ अ टैपिंग टेक्निक. जी, ई एफ टी जो है टैपिंग टेक्निक एंड दैट्स अ सेपरेट टेक्निक. आई मीन दैट योर डिफरेंस बिटवीन द टू इज बीन क्लियर टू यू. सेकेंडली ई एफ टी वी डू ई एफ टी अकेडमी डिड ई एफ टी. ई एफ टी का कोर्स डिफरेंट है, पहले हो चुका है. यू कैन कनेक्ट द अकेडमी फॉर ई एफ टी, बट दिस कोर्स इज ऑन सी बी टी एंड आर ई बी टी वेयर मोनिका जी इज एक्सप्लेनिंग यू. उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए. एंड सी बी ई एफ टी इज अ सेपरेट टेक्निक. Thank you. So basically, as I think I have explained, so we are just working. एक structure होएगा, कुछ चीजें पूरा आपको base सिखाया जाएगा. आप किस तरह से वो structure करते हो, किस तरह से work करते हो, किस तरह की worksheets होती हैं, किस तरह के terms होते हैं, किस तरह के आप there are lot of things जो psychology में सिखाते हैं, जैसे Jory window है या आपका ये इवन एनी ऑफ योर लाइफ पोजिशंस विच ऑफकोर्स इज पार्ट ऑफ द टी ए, बट देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच आपको वो सब चीजें भी सिखाई जाएंगी विच आर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बेटर. ओके, सो एज आई सेड कि यू कैनॉट मेनी ऑफ द कंट्रीज फंक्शन एज अ थेरेपिस्ट unless you are from a psychology background or you have to take a liability of that. So, but you can always work as a counselor in many of the fields. So that is a life coach or a strategic coach or a this thing. So even the mentors, jo coaches hote hain, they also employ all these therapies. CBT hai, REBT hai, NLP hai, DBT hai, ACT hai, EDMR hai, they all employ these therapies. Okay, so basically ye aapka hum apne mind ko bolte hain, hamara mind hai like a monkey, wo idhar udhar kutta rehta hai, phalang marta rehta hai. So we have to provide a banana to the monkey, matlab wo shant ho jaye, concentrate kare, khaye piye chup baithe aur अपने अंदर फोकस करें, इंस्टेड ऑफ चैटरिंग बैबलिंग और या इधर उधर के गलत विचार या गलत चीजों में इंडल्ज होने की बजाय. सो जब हम इसमें माइंडफुलनेस भी सीखेंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग वेयर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ, हाउ टू बी कंपोज्ड, हाउ टू अवेकन योरसेल्फ. सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस थेरेपी इज ऑल्सो एम्प्लॉयड विद सीबीटी. Okay, so as I said, this is collaborative effort. It is not just ke aap therapist ho to aap alag se kaam karte ho aur client alag se karta hai. It's an effort where you involve. There is lot of involvement of the client. And ab question aayega ke CBT aur REBT mein difference kya hai and what is the similarity. Okay, because these are two separate therapy, but we are doing in one course and we are doing both all. मतलब पूरी तरह से कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम एक थेरेपी कर रहे हैं दूसरे को हम छोड़ रहे हैं या ऐसा है. दोनों थेरेपीज बराबर से की जाएंगी. लेकिन सीबीटी, जैसे मैंने बोला कि सीबीटी केम आफ्टर आरईबीटी. आरईबीटी को पहले जो उनके फादर हैं जिन्होंने उनको लाया, वो उन्होंने कुछ मॉडल्स, क्योंकि बाहर क्या होता है जब भी थेरेपिस्ट दे व्हेन दे वर्क टुगेदर, वो लोग बहुत सी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, दूसरे थेरेपिस्ट से डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो थेरेपिस्ट बहुत सी और चीजों में आगे उस पर काम करते हैं और फिर वो कुछ कभी कभी अलग सी थेरेपीज भी लेके आते हैं. ओके, सो इट इज नॉट लाइक के यू नो ये मैंने किया है मैं यहाँ पे खत्म हो जाती. देर आर मेनी थिंग्स. जैसे मैंने EFT की बात हुई थी, इन सुजोक होलिस्टिक थेरेपी वी हैड डन दिस थिंग ऑन EFT, तो वो TFT से आया है. तो लोगों को TFT के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन लोगों को EFT के बारे में मालूम है, राइट? ऑल्दो उसका ओरिजिन TFT में,
सो देर आर मेनी टाइम्स कि आपका ओरिजिन कहीं पे होता है, फिर वहां से वो थेरेपी आगे बढ़ती है और कुछ थेरेपी जो उसकी सबसेट होती है वो उससे ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है और उससे ज्यादा यूज हो जाती है. ओके, तो दे हैव सेम प्रिंसिपल्स बट देयर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज डिफरेंट. ओके, क्यों? क्योंकि सीबीटी जो है इट इज थिंकिंग डिस्टॉर्टेड नेगेटिव इमोशंस. मतलब कि एक मैंने जैसे बोला कि हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस है जो हम माइंड से फिल्टर नहीं कर रहे हैं. जैसे ज्योति ने कहा कि हम ऐसा सोचते क्यों नहीं है, मैं सोच कुछ और रही हूँ लेकिन कुछ हो कुछ और रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव डिस्टॉर्टेड इमोशन विच इज देयर. ओके, सो हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि वो क्यों ऐसा हुआ और हम उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आते. तो दैट ब्रिंग्स टू द आंसर कि वेदर वी चेंज. So we obviously change from the negative, we bring it you to the positive. Okay. Lekin in REBT, you are not just looking at the distorted thing. You are going into the core belief. Okay. What is the illogical thinking you are having? So yahan pe aapko difference samjhaya jayega. Maybe today, ye subject aapko lag raha hai ki belief aur emotion mein kya farak hai. There's a lot of difference. Okay. So एक मेरा नेगेटिव इमोशन है और एक मेरा नेगेटिव बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड दैट्स व्हाई देर इज अ डिफरेंस इन दीज टू अप्रोचेस. ओके, सो एंड रिजल्ट विल बी सेम बिकॉज इट विल बी दैट यू वांट द पर्सन टू बी इमोशनली प्रॉपर एंड एक्सरसाइज अ प्रॉपर बिहेवियर और नॉर्मल बिहेवियर, नॉट गोइंग टू एनी ऑफ द एक्सट्रीम्स और एबनॉर्मल. ओके, सो बेसिकली ये, पर जब आप बिलीफ पे ज्यादा वर्क करते हो तो आप उसके रूट तक जाते हो. आप उसके, जैसे मैंने बोला, एक ही बिलीफ नहीं होती है, उसके पीछे भी बिलीफ्स होती हैं, उसके नीचे भी बिलीफ्स होती हैं. सो देर इज प्राइमरी बिलीफ, सेकेंडरी बिलीफ, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिलीफ्स. सो आप पूरे एंड तक जाओगे एंड यू विल गो टू द रूट कॉज. बिकॉज अगर आप सिर्फ ऊपर के बिलीफ तक, परतरे तक काम कर लोगे तो वो कहीं ना कहीं वो वापस से आएगा ही इशू. ओके, सो ये जैसे मैंने बोला ना कि इनिशियली आई स्टार्टेड, आई सेड कि जैसे कि अभी अगर सपोज मुझे ऐसा लगे कि अरे अरे लोग ही नहीं आए हैं, तो समवेयर आई हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द फियर, व्हाई एम आई ट्रेम्बलिंग, व्हाई एम आई बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे. इज इट कि मुझे रिजेक्शन का फियर है, दैट फियर मेरे किधर से आ रहा है. सो इस तरह से वी वर्क ऑन दैट. ओके, आई थिंक सर आई एम थ्रू विद इट. इफ यू वॉन्ट आई कैन, ये कोर्स कंटेंट है, सो इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव कोर्स, बट इट विल बी डन इन 2 months. It will cover everything. And you please go through the content, the bullet points of this core content. So basically, पहले हम लोग आपको के वो उसका origin किधर है, किस तरह से CBT आई, उसके understanding, जैसे मैंने बोला कि आपको belief और thought के बीच में क्या difference, emotion और belief के बीच में क्या difference है, वो तो REBT और CBT के बीच में difference है, लेकिन in general also थॉट्स क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होते हैं, कब वो फीलिंग होना इज नथिंग रॉन्ग, कब वो गलत हो जाती है, या कब वो इमोशन इफेक्ट करते हैं दूसरे को या हमको इफेक्ट करते हैं, व्हेन दे गो इनटू व्हाट स्टेज. ओके, सो रिलेशनशिप ऑफ फिर बिहेवियर का थॉट से क्या कनेक्शन है, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस बेसिस पे है. और Maslow hierarchy of needs, अगर if people are there from psychology background or even in marketing background, they will know कि there is an hierarchy of needs. So that will be taught to you, like how you go higher up in life and किस तरह से आपके needs change होते हैं. Then there is Johari window. So this is also a kind of showing you कि आप कौन से, there are cubicles, आप किधर stand होते हो life में, आपका क्या तरीका है लोगों की तरफ देखने का. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. जौहरी विंडो इज वेरी इंटरेस्टिंग. वन कैन डू जस्ट एक लेक्चर उसके ऊपर कर सकता है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट.
मतलब टॉपिक, फिर सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सो देयर इज, हम सबका एक सर्कल होता है. अब ये मैं आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग जस्ट नाउ, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द पॉइंट्स. फिर स्टेप्स टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स इन योर गोल्स. देन यू विल बी टॉट द बेसिक काउंसलिंग, कैसे आप बेसिक काउंसलिंग करते हो, कैसे क्वेश्चनिंग करते हो, कैसे आप उस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह से आपको आंसर क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए. और फिर उसका किस तरह के आप होमवर्क देते हो सीबीटी पे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है होमवर्क की. फिर वर्कशीट्स होती हैं, आप कैसे उनको पढ़ते हो. देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वेश्चनिंग, तो वो किस तरह से आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो. फिर फोकस ऑन सीबीटी, किस तरह से आप क्लाइंट का को उसमें वर्क कराते हो. देर आर मेनी अदर टेक्निक्स लाइक डाउनवर्ड एरो टेक्निक है, एबीसी फंक्शनल एनालिसिस है. देन कैन फिर रिलैप्स होता है, अगर वो चीज वापस से आती है तो आप कैसे उसके ऊपर काम करते हो. फो सेकेंडरी सेशन कैसे होते हैं, जो प्राइमरी सेशन आप करते हो उसके बाद आपको कितने और सेशंस करने पड़ते हैं, हर सेशन में कैसे आप मॉनिटर करते हो, किस तरह की टेक्निक्स आप प्रोवाइड करते हो फॉर रिलैक्सिंग द क्लाइंट, रिफ्रेमिंग, माइंडफुल लिसनिंग. माइंड, ये मैंने जो बोला माइंडफुल ness is also combined with CBT. So mindful breathing. Phir there is loving kindness exercise, present moment exercise. So ye different types of CBT ki exercises hoti hain. You get comprehensive CBT workbooks milti hain. If you will see even on Amazon and all these things, there are lot of printed material, you know, like which are given to the clients, or they are asked to fill, or they are asked to write, or there is a journaling done. Okay, so then you will be taught like how if you a person comes and has a depression, which to which extent you can handle it, you don't need to refer him to the psychiatric. So what is the how you will go through it, how you will handle it, how you will apply CBT to overcome that, how you will use the CBT to overcome the anxiety. So anxiety kya hota hai, kya loop hai, so all that thing will be explained. And then there are some other more things in terms of thought patterns and all. So uske upar hoega. So you will learn all this techniques. There are many techniques in this. Restructuring hai, behavioral test hai, negative cognition ke liye, pattern of problematic thinking hai, distract your thoughts, CBT thought challenges hai. Phir ye, and you will be given case studies. So, आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज बताई जाएंगी, किस तरह से कौन सा कोई क्लाइंट आया या कोई जना आया, उसको क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह से वो प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, क्या चीजों को उसमें किया गया. एंड मे बी आप भी अपनी चीजें बता सकते हो, तो वी कैन वर्क लाइक दैट के इन अंडरस्टैंडिंग के वाई सम कोई आपका इशू है या आपका प्रॉब्लम है तो कैसे वो उसके ऊपर काम किया जाए. ओके और फिर REBT के ऊपर है. सो REBT का क्या मॉडल है, उसका क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं. सो दैट टेक्निक्स विल बी यूज्ड, उसके कुछ मॉडल्स हैं दैट विल बी यूज्ड. एंड ऑल्सो इन REBT हाउ यू कैन डील विथ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी, OCD, एडिक्शंस, रिलेशनशिप इश्यूज. सो ये दिस इज हाउ द कोर्स विल गो. राइट, थैंक यू मोनिका जी. किसी का कोई प्रश्न है इस कोर्स से रिलेटेड, इससे जानकारी से रिलेटेड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन. सारे वीडियोस बंद है, सबके चेहरे अंधेरे के पीछे हैं. प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन. थैंक यू जी. राजू जी, आपका कोई प्रश्न? सर, ड्यूरेशन कोर्स का क्या है, कितने दिन का है और क्या है? सो आई एम पुटिंग इट ऑन द स्क्रीन. Give me a minute, please. I'm putting it on screen. Please keep your mics off if not required. Keep your mics off. Empowering cognitive to CBT and REBT. The course content is already explained to you for CBT and REBT, both by the Monica ji. The course will be on Saturday and Sunday. 2 दिन रहेगा हफ्ते में, 11 बजे मॉर्निंग में रहेगा. 2 महीने का सेशन रहेगा ये.
इतने सारा टॉपिक है, 2 महीने के लिए इट्स नॉट एन इजी सब्जेक्ट, बट यस वी विल ट्राई टू कवर, और एक दो क्लास हो सकता है ऊपर भी हमें करनी पड़े तो वी विल डू इट, बिकॉज वी आर बिलीव इन द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट रादर देन नंबर ऑफ क्लासेस. सो कुछ क्लासेस हो सकता है ऊपर जाए. पुटिंग इट बैक, ये कोर्स 2 दिन रहेगा, हर हफ्ते सैटरडे संडे 11 बजे क्लास होगा, 2 महीने का कोर्स रहेगा, लाइफ टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, लाइव जूम सेशंस होंगे. ये कोर्स मैं आपको बता रहा था कि दिस कोर्स इज नॉट अवेलेबल ऑन दी जूम सेशंस, में कोई नहीं करता, लाइव क्लासेस नहीं करते, सब लोग ऑटोमेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं सीबीटीज की, आरईबीटीज की, एंड ऑटोमेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है वो आप गूगल से भी ले सकते हैं, लेकिन जो क्लैरिटी जूम लाइव में आती है वो ऑटोमेटेड में नहीं आती है. एंड दिस इज द ग्रेट एफर्ट्स डूइंग बाय द मोनिका जी टू गिव दिस एजुकेशन लाइव, एंड थैंक यू मोनिका जी फॉर दैट. इसका फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ये कोर्स 2 महीने का रहेगा, इसका जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कोर्स फीस 4214 रहेगा, 36% ऑफ 2685. दोज हु आर न्यू पार्टिसिपेंट, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट, उसके लिए 4214 में 25% ऑफ रहेगा, 3158 रहेगा. दिस इज द कोर्स फीस डिटेल, यू कैन क्लिक दिस पिक्चर एंड कीप इट विद यू. आप इसको अपने क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पिक्चर का, एंड प्लीज शेयर योर स्क्रीनशॉट ऑन दीज 2 नंबर्स ओनली फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द discounts and the other time to time schemes shared by the academy. Is jo log ye course karenge, who is doing this, kon kar rahe hai annotation, jo log ye course karenge उन लोगों को एक मोनिका जी की तरफ से शी इज गोइंग टू टीच अनदर सब्जेक्ट दैट वन दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल कोर्स. 2 दिन का ट्रांजिशनल कोर्स होगा, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर दोज हु एनरोल्ड दिस कोर्स. ट्रांजिशनल कोर्स के बारे में मोनिका जी, कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट द ट्रांजिशनल कोर्स, क्या हैगा? सर बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, आप ट्रांजैक्शन को हम सोचते हैं कि व्यापार है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब कोई एक, लेकिन ये वर्ड जो है डोंट टेक इट इन दैट सेंस. ट्रांजैक्शन एनालिसिस मतलब आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो देर इज अ कम्युनिकेशन, देर इज एन एक्सचेंज, एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे और आपके बीच में, राइट? अभी सपोज आप मुझे कोई चीज बोलते हो, आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मोनिका जो है वो ये एज की है, उसका रिस्पॉन्स ये पर्टिकुलर एज के हिसाब से होना चाहिए, और आपकी एज एक ये है, तो एक मैच्योरिटी या एक पर्टिकुलर, जैसे बोलते हैं कि हर इंसान में एक चाइल्ड, पेरेंट और एडल्ट होता है, राइट? सो मे बी आप जब मुझसे बात कर रहे हो, या आप अपनी, सपोज आप घर पे आते हो, आप अपनी वाइफ से बात करते हो, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्स इन टर्म ऑफ कि शी, आप बोलते हो कि देखो आजकल खर्चा बहुत हो रहा है, अननेसेसरली खर्चा हो रहा है, खर्चे को कम कैसे करें, राइट? अभी एक जनरल स्टेटमेंट आपने बोला कि खर्चा बहुत हो रहा है, खर्चे को कम कैसे करें, हर रिएक्शन कैन बी हाँ बात सही बोल रहे हो, खर्चा बहुत हो रहा है, वी कैन हम ये चीजें कर सकते हैं, राइट? जब उसने ऐसे आपके साथ बिहेव किया तो शी इज बिहेविंग लाइक एन एडल्ट, ओके? तो वो एडल्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, विद अ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन एडल्ट. लेकिन एज अ पर्सन हम में ये तीनों चीजें होती हैं, एंड समटाइम्स वी बिहेव इन अ डिफरेंट वे. अगर वो चाइल्ड की तरह बिहेव करे तो शी विल से क्या मतलब है यार, खर्चा तो होना ही चाहिए ना, अगर खर्चा कर रहे हैं तो अगर हम कमा किसके ले रहे हैं, राइट? सो एंड और शी मे रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. सो जब आपको वैसा रिएक्शन मिलेगा, आपको लगेगा अरे आई वाज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉपर रिएक्शन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे साथ देगी, मुझे बोलेगी कि नहीं इट इज फाइन, इट्स ओके, हमको हम इसके ऊपर थॉट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और काम कर सकते हैं. लेकिन उनका रिएक्शन आया क्या मतलब है यार, ये ऐसे नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसे करके, यू नो, तो ये आया एक चाइल्ड की तरह, जैसे कि आपका बच्चा बोलेगा कि क्या डैडी व्हाट इज दिस, आप छोटी छोटी चीजों पे इतना ध्यान देते हो, राइट? तो शी बिहेव फ्रॉम एन ईगो स्टेट ऑफ चाइल्ड, यू बिहेव फ्रॉम एन ईगो स्टेट ऑफ अ पेरेंट ऑफ अ एडल्ट. द रिस्पॉन्स यू वर एक्सपेक्टिंग एज एन एडल्ट,
लेकिन आपको रिस्पॉन्स एडल्ट के जैसे नहीं मिला, यू रिसीव द रिस्पॉन्स लाइक अ चाइल्ड. सो फिर क्या होगा, आप भी अलग रिएक्शन में जाओगे कि वॉट, कुछ हो सकता है आप कुछ और बोलो कि अरे देखो मैं तुमको समझाता हूँ, तुमको कभी कुछ समझ में नहीं आता है. देन अगेन शी विल गो इन टू सम रिस्पॉन्स. सो इट इज बेसिकली ट्रांजेक्शन एनालिसिस इज वॉट, कि हम एज इंडिविजुअल्स, इट्स अ साइकोलॉजी सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कि वी आर एट डिफरेंट ईगो स्टेट्स. और अगर हमारे ईगो स्टेट्स सेम रहते हैं तो ये जो मिसकम्युनिकेशन होता है, जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो नहीं होंगे अगर हम दूसरे की स्टेट को समझ पाए. तो हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं कि मे बी आई बिहेव इन दिस वे और दैट पर्सन वॉज इन दिस स्टेट, और उसका रिएक्शन इस स्टेट के हिसाब से हुआ, इस ईगो, मतलब इस ईगो स्टेट के हिसाब से हुआ, इसकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम हो गई. लेकिन उस टाइम पे तो हमारे बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन कंटिन्यूस चले और झगड़ा भी हो जाए, छोड़ के भी चले जाए, या वो उधर चले जाए और मैं उधर मतलब बैठ जाऊं कमरा बंद करके. बट इफ वी अंडरस्टैंड, सो ट्रांजैक्शन एनालिसिस इन एवरीथिंग, नॉट जस्ट पेरेंट, घर के अंदर आप जब किसी को क्लाइंट से डील करते हो, आप जब मार्केटिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो यू आर लुकिंग के how your message is going, what is the other person perceiving it as, and how you can change it, or aap kis tarah se wo usko wo kar sakte. So ye, it's not only that, iske alawa agar as a person mujhe aisa lagta hai ki main hamesha sahi hu aur aap galat ho, to jab aap meko you know a person ko question karte ho bahut si cheezon pe, to aapko samajh mein aata hai ki uska tarika kya hai. क्या वो ये सोचता है कि वो ही सही है और दूसरे लोग गलत हैं? तो ये एक स्टेट है. तो इस तरह से चार स्टेट्स होते हैं, चार लाइफ पोजीशंस होती हैं. आई एम ओके, यू आर ओके, अगर आप एक देखो, इट्स अ वेरी फेमस बुक, आई एम ओके यू आर ओके, दैट इज द बेस्ट स्टेट, जहाँ पे मैं सही हूँ आप भी सही हूँ, दैट इज आई एम द मोस्ट हैप्पी पर्सन, क्योंकि मैं भी सही हूँ आप भी सही. लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है मैं सही हूँ आप गलत हो, राइट? सो वो लाइफ पोजिशन में आप जब होते हो, तो हाउ टू चेंज दैट लाइफ पोजिशन, वॉट इज द रीजन फॉर दैट लाइफ पोजिशन, सो इट्स अ वर्किंग ऑन दैट. देन सबसे डिप्रेशन सिचुएशन आ जाती है जब मैं बोलती हूँ आई एम ऑल्सो नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके, राइट? सो दैट इज अ स्टेट विच इज वेरी नेगेटिव स्टेट, वेयर यू गो इन टू दिस थिंग. सो इट्स अ सब्जेक्ट वेयर यू डू स्टडी लाइफ इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट. So the words which are used in transaction analysis are like that, that life is a script. There are different strokes, there are different dramas. There life ka ek tarika hota hai, hum usme alag alag tarah se roles play karte hain. So it's an interesting subject to study, but not just to study, to use in everyday life and having a better understanding of each other in any kind of a circle, whether personal और प्रोफेशन. सो बच्चों के लिए बहुत पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट इट्स अ गुड कोर्स फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फॉर एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, फॉर पीपल. इट्स यूज्ड अ लॉट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आल्सो, टीए को काफी यूज किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. पीपल टीच टीए टू यू नो के हाउ यू शुड, व्हाट यू शुड सी. एंड ऑल्सो एक तरह से कि आप किधर ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप डेंजरस सिचुएशन पे ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे आपको यू नो यू आर गोइंग इनटू नेगेटिविटी एंड टू मच ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, सो व्हाट इज कॉजिंग दैट एंड हाउ यू कैन रेक्टिफाई दैट पोजीशन. सो इट्स दैट. ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू मोनिका जी, इट्स अ फैंटास्टिक कोर्स. जैसे ट्रांजिशनल एनालिसिस इज एब्सोल्युटली फ्रू डिलीवरी बाय मोनिका जी फॉर 2 days with the enrollment of empowering with cognitive toolkit CBT and REBT. जो लोग इन कोर्स को एनरोलमेंट करते हैं cognitive toolkit CBT REBT के साथ 2 दिन का transactional analysis course absolutely free delivery करेंगे मोनिका जी. It's a very powerful. I'm telling you once again and again, these courses are not delivered live on Zoom. Nobody take that much of vain efforts because these courses looks very easy. But they need lot of patience, pain and efforts to deliver because ये बहुत ही ज़्यादा maturity और behavioral techniques पे based है, जो कि
इंसान को खुद स्किल करनी पड़ती है डिलीवरी के लिए. ये कोई गणित की कैलकुलेशन नहीं है, न्यूमरोलॉजी की, जैसे 2/4 किया या 2+2 4 किया, उसके कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए और डिलीवरी कर दिया, ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है. इट लॉट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड इन दिस सब्जेक्ट्स, जितने भी बिहेवियर सब्जेक्ट्स होते हैं. सो दिस इज जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक. यू आर बीन रिक्वेस्टेड टू एनरोल इट, एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आने वाले टाइम में इन कोर्सेज को दोबारा से जब भी होगा तो इनमें डिस्काउंट्स ऑफर नहीं होंगे, एंड अभी इन पे डिस्काउंट्स ऑफर्स हैं. दो नॉर्मल फीस इज 4-2-1-4. मैं एक बार दोबारा लगा देता हूँ ये स्क्रीन, एंड जो ऑलरेडी पार्टिसिपेंट है उनके लिए 35-36% डिस्काउंट है. दोज हुआ न्यू, द कोर्स फीस इज 4-2-1-4, 25% डिस्काउंट है. इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फॉर एनरोलमेंट. ये कोर्स शनिवार इतवार होगा. आज सैटरडे है, आज संडे है, नेक्स्ट सैटरडे से कोर्स शुरू हो जाएगा. दोज़ हू एनरोल, नॉट नेक्स्ट सैटरडे सर, अभी नेक्स्ट सैटरडे होलिस्टिक का खत्म होने वाला है ना, वो खत्म होएगा. अच्छा ठीक है, सो राइट, सो देन इट विल बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे संडे में स्टार्ट हो जाएगा ये. ठीक, तो द पॉइंट ऑफ सेइंग दोज़ हू गेट एनरोल्ड बिफोर दैट दिस discount offer remains for them, but once course is started, discount offers will be withdrawn. And दो दिन का जो transitional analysis course है, वो भी उन्हीं को मिलेगा जो इस course को पहले से enroll कर लेते हैं. ठीक है, right जी. पूर्णिमा जी, आपका प्रश्न पूछे, कृपया करके वीडियो ऑन करके पूछे, सबके अंधेरे हो रहे हैं, सब उजाला करे जरा अपनी अपनी स्क्रीन में. It looks we are talking to a wall. ताई जी ने हाथ रेज किया था. पूर्णिमा जी, आपका प्रश्न पूछे. नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है. मैं एक्चुअली इनके मुनिका जी के बोलने से पहले जो इन्होंने दूसरा कोर्स इंट्रोड्यूस करा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, मैं एक्चुअली सबके लिए यही बोलना चाह रही थी कि इनका जो कोर्स है सीबीटी एंड जो दूसरा आरईबीटी, यस, तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रोफेशनली जाए दैट्स गुड, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो इन्होंने भी डिस्क्राइब कर दिया है कि आपके घर के मैटर को सॉल्व करने के लिए, कि आपको, क्योंकि आज का टाइम बदल रहा है, हम ऐसे अपने पेरेंट्स की तरह नहीं कर सकते कि जैसे पेरेंट्स ने हमें रेस करा हम भी अपने बच्चों को कर ले, तो यहाँ बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी कि आपको बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करना है, रिलेटिव से कैसे करना है, ऑफिस में कैसे चीजें हैंडल करनी है. तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अच्छा कोर्स है, सबको एनरोल करना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है, मतलब यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर जॉइनिंग दिस. थैंक यू, थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू, एब्सोल्युटली राइट, यू विल नॉट रिग्रेट, इट्स अ नो रिग्रेशन, बिकॉज़ दिस कोर्स इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक तो एक्सपीरियंस मोनिका जी का, उनकी लर्निंग, सेकेंड थिंग लाइव है. ऑटोमेटेड वीडियोस के अंदर आप वन साइड ट्रांजिशंस होती हैं, आप सुनते रहते हो, सिर्फ सुनते रहते हो, आपके क्वेश्चन दिमाग में आए वो कुछ नहीं हो पाता, वो वहीं के वहीं गोल हो जाते हैं. ये लाइव है. जूही जी ने क्या लिखा, ये कौन हायर करता है इसको करने के बाद, एस इन क्लिनिक थेरेपी, प्लीज गिव एन लाइट. जूही जी, एक बार आपका क्वेश्चन बोलेंगे प्लीज, व्हाट यू आर एग्जैक्टली वांट टू से हियर. जूही जी, अपना माइक ऑन करें और प्लीज बोलें क्या क्वेश्चन आपका. आई एम इन ऑफिस. ओके मोनिका जी, प्लीज रीड हिज हर क्वेश्चन, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई थिंक बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रही है कि सी बेस, जूही जी जैसे हमने बात की ना कि आप क्या हो, आर यू ऑपरेटिंग एज अ थेरेपिस्ट, आर यू ऑपरेटिंग एज अ हीलर, आर यू ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, या आप किसी और के साथ काम कर रहे हो. अगर आप, आपके पास ऑलरेडी पास्ट क्वालिफिकेशन है दैट यू आर अ साइक, मतलब अ ग्रेजुएट और अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो आप ये एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके साथ यूज कर सकते हो. अदरवाइज ऑल्सो आप वैसे भी फंक्शन कर सकते हो, पर इट डिपेंड्स विच कंट्री यू आर लिविंग, आप कहाँ पे कौन से टाइप के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो, मतलब कौन से ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हो. सो आर यू वर्क, आप कह रहे हो थेरेपिस्ट के साथ आप ज्वाइन करने वाले हो, तो फिर वो उसका, उनके क्या क्राइटेरिया रहे आपको लेने के लिए, उसके ऊपर वेरी करेगा ना. मतलब फ्रॉम माई साइड या हमारी तरफ से तो आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, लेकिन वो जो जने के साथ आप काम करने वाले हो वो क्या देखते हैं, वो आपको मेन उसके ऊपर वेरी करेगा. आई थिंक दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से. ओके, पर आप इंडिविजुअली भी आप काम कर सकते हो, आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो, और आप एज अ काउंसलर काम कर सकते हो, आप एज अ स्ट्रेटेजिक कोच काम कर सकते हो, और ये सब चीजों को यूज कर सकते हो.
थैंक यू ताहिर जी, आपका प्रश्न पूछे। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है सर कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप एक वक्त में इतने कोर्सेज कर रहे होते हैं कि ह्यूमनली एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है तमाम में एडमिशन लेना। थैंक गॉड ये जो आप करा रहे हैं मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और मैंने BNN में एडमिशन लिया है, मैंने आपका पामिस्ट्री में एडमिशन लिया हुआ है, सिग्नेचर भी मैंने लिया हुआ है, KP का मैंने किया है। आई वंडर के हाउ मेनी आई कैन ज्वाइन मोर टू इनलाइटन माई सेल्फ। तो मुझे अब थोड़े से अब आपस में वो थोड़े से ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब मैं आई वुड लव टू डू दिस, लेकिन इसी टाइम पे गालबन वो पेमिस्ट्री की क्लास होगी, तो इट विल बी हार्ड फॉर मी। एंड आई होप कि आपके ये रेगुलर चलते रहेंगे और आपका ये डिस्काउंट भी चलता रहेगा फॉर योर मेंबर्स, स्पेशली अ मैन फ्रॉम पाकिस्तान। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। ओके, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई फ्यू थिंग्स। वन, this academy is a non-profit organization, so we always try to keep these course fees as nominal as possible. और हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन विद्याओं को हर एक के जीवन तक लेके जाएं, उनका जीवन बेहतर करें। भारत में, जगत में, हर जगह पे, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ पे, हर जगह पे, क्योंकि वैदिक विद्याएं हमारी संस्कृति है, हमारा रूट्स है, और रूट के साथ जुड़ के हम इनको बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है और हम चाहते हैं कि इसमें हम आगे बढ़ें सब लोग मिलके। एक बात, दूसरी बात ये, जितने भी कोर्स होते हैं उनमें टाइमिंग क्लैश नहीं होते हैं। एकेडमी हमें पूरी कोशिश रहती है कोई भी कोर्स का टाइम क्लैश नहीं करते हैं, हम हर कोर्स अपने अलग अलग टाइमिंग पे होता है। आई थिंक मेरा आंसर राइट चला गया। सो हर कोर्स अपने अपने टाइम पे जो भी डिजाइन होता है तो उसमें टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। तीसरी बात, कोर्सेज काफ़ी हैं, यस, इसीलिए एकेडमी एक कुछ ऑफर्स में देती है, द रिपीट इज फ्री, द फर्स्ट रिपीट इज ऑलवेज फ्री, क्योंकि जब भी आप ये कोर्स करते हैं एक बारी में, हम समझते हैं कि पूरा सब्जेक्ट को ग्रिप करना आसान नहीं होता किसी के लिए भी, इसलिए रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है। प्लस जब भी ये नया कोर्स स्टार्ट होता है तो उसमें आपको रिपीटेशन फर्स्ट टाइम फ्री मिलता है, ताकि आप दोबारा से अपने सब्जेक्ट को और बेहतर कर सकें। काफी कोर्सेज हैं, यस, काफी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकेडमी में। ये चूज करना आपका ही कार्य है कि आपका इंटरेस्ट कैसे कैसे किसकी चीज में जा सकता है, लेकिन एकेडमी की कोशिश रहती है कि कोई भी कोर्स क्लैश नहीं होगा। आप जो भी कोर्स करेंगे उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो भी आप कोर्स में एनरोल करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोर्स आएगा, आफ्टर ए गैप आता है कोर्स, उसमें आपको उसका रिपीट फ्री मिलेगा, उसके चार्जेस एकेडमी नहीं लेती है। तो ये चीजें एकेडमी कोशिश करती है ताकि आपकी लर्निंग बेहतर रहे, ज्यादा रहे और चलती रहे। ठीक है जी, उसमें सर ओवरलैप सिर्फ आपकी तरफ से नहीं हो रहा, और मैं ऑलरेडी एक मैं लाल किताब का भी कोर्स ले रहा हूँ, एक मैं KP का भी कोर्स ले रहा हूँ, तो वो पांच कोर्स हो जाते हैं, तो ओवरलैप मेरी तरफ से हो रहे हैं, आपकी तरफ से नहीं हो रहे। तो हमारी एकेडमी KP लाल किताब सारे कोर्सेज करवाती है, इसलिए हमको सर मैंने वो आपसे पहले मेरा जो आपसे कनेक्शन हुआ उसके बाद हुआ है। आई होप इंशाल्लाह मैं कहीं नहीं भाग के जाऊंगा, मुझे इतना आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे, सच गुड मेंटोर, तो मुझे क्या जरूरत है कहीं और जाने के, इफ आई कैन गेट चीप कोर्सेज विद सच ब्रिलियंट मेंटोर्स। थैंक यू ताहिर जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू जी। किसी का कोई और प्रश्न इस आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के कार्यक्रम से रिलेटेड? और एज करेक्टली सेड बाई पूर्णिमा जी एंड ताहिर जी, ये कोर्स बहुत अच्छी जर्नी है, हमारे को जीवन को निखारने के लिए बहुत अच्छी जर्नी है, इट्स वेरी पावरफुल। और बिलीव करें, ये जो काउंसलिंग के सेशंस लेते हैं लोग, इतने इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसके ऊपर, साइकोलॉजी की एजुकेशन लेते हैं, इतनी महंगी एजुकेशन होती हैं, इट हेल्प्स अ वेरी एक्सट्रीमली ऑन दिस टाइप ऑफ कोर्सेज, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी, लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। So you are all welcome. Please get it joined before the start of this course. Fees remain same. Once started, discount will be withdrawn. And इसके साथ transition analysis का course जो मोनिका जी करवा रही हैं 2 दिन का होगा, that is absolutely free for you those who join this course. उसकी भी recording होगी, उसकी recording भी आपको मिलेगी, right जी? किसी का कोई और प्रश्न तो बात बताएं, और नहीं तो आज की वाणी को विराम देने का समय आ गया है, right जी? जी सांदे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
माइक अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी संध्या जी। हाँ जी, बट आई जॉइन लेट सो आई नॉट अंडरस्टूड द होल थिंग व्हाट इज ओके एक्जेक्टली। तो आपको वीडियो मिलेगा इसका, आप ऑलरेडी हमारे पेड मेंबर हैं तो आपके पास ये ग्रुप में वीडियो आ जाएंगे इसके, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड आप उसको सब जी। आई जॉइंड हाफ ऑफ इट, बीच में सुना छोटा ये सब बता रहा, सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इतना समझ में आया। हां, इट्स समथिंग रिगार्डिंग बिहेवियर थेरेपी, दैट्स ऑल। सो आप इसका वीडियो आपको मिलेगा, यू प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। हां जी हां जी, आई जस्ट थैंक यू। राजीव जी बोलिए जी। मोनिका जी, इसमें ये थ्योरी के अपार्ट इसमें प्रैक्टिकल कुछ ट्रेनिंग या डेमोंस्ट्रेशन या कुछ इस टाइप की और टेक्निक जो सिखाई जाएंगी जिससे किसी के भी बिलीव पैटर्न को किसी के चेंज किया जा सके या अपने बिलीव पैटर्न को चेंज किए जा सके? क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं जिनकी भी जो माइंड के अंदर जो भी फिक्स है उसको चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वो उसने जो एक धारणा या जो भी एक सिस्टम बना हुआ है या संस्कार है या पुराने, वो उसी के अकॉर्डिंग ही अपने जितने भी आंसर जो हैं उसी के अकॉर्डिंग ही डिलीवर करते हैं मोस्टली लोग। तो वो समझते ही नहीं कि हमारे के अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजेस की जरूरत है। करेक्ट, राइट राइट, आप सही बोल रहे हैं। वही मैंने इनफैक्ट जब बात कर रही थी तो मैंने वही बोला ना कि अगर हमारे लिए इतना आसान होता ये चीज को समझना कि हम ये, जबकि हमको मालूम होता है कि हम किस लिए किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे क्या बिलीव है, फिर भी हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये इस कोर्स में जो मैंने बोला ना प्रैक्टिकल केस स्टडीज, वो स्पेशली जो एंड जब हम डील करेंगे सारे इश्यूज के साथ, वो तो प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगा। और मैं उसमें जो क्लास में भी हैं उनके खुद के इश्यूज भी, उनको कैसे डील करना या वो एज अ देमसेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द केस, वो भी किया जाएगा, वो तो करना ही पड़ेगा सर। उसके बिना तो आपको मतलब मैं तो हमेशा बिलीव करती हूँ कि कोई भी कोर्स है इट शुड नॉट रिमेन टू द लेवल ऑफ जस्ट थ्योरी, थ्योरी से ऊपर आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिकलिटी एप्लीकेशन में जाना चाहिए, तभी उसका कोई मतलब या सेंस है। बिकॉज मैं खुद लर्निंग वैसे ही स्टार्ट की है फ्रॉम प्रैक्टिकल टू थ्योरी, सो आई हैव गोन द रिवर्स वे, तो आई वांट पीपल के टू अंडरस्टैंड के फ्रॉम थ्योरी दे नीड टू शिफ्ट टू प्रैक्टिकल, सिर्फ थ्योरी पे अटक के नहीं रह जाना चाहिए। नहीं तो जैसे ये मतलब एक मंथ के अंदर और टोटल 16 या 18 क्लासेस होंगी या 20 क्लासेस जो भी मैक्सिमम हो पाएंगी, तो उसमें इज इट पॉसिबल कि आप थ्योरी की चीजें हमें पहले डिलीवर कर दें? सर सॉरी, आई एम ऑडिबल? उनकी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये पैरेलली चलेगी सर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पैरेलली चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी पहले से कोई लिटरेचर है वो आपको दे दे, आप लिटरेचर पढ़ लो, उससे होगा भी नहीं ऐसे। सो इट्स लाइक सब्जेक्ट को आपने लिया, आपने कुछ थ्योरेटिकल समझा, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल किया, फिर थ्योरेटिकल किया, फिर सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता रहेगा ये, राइट? एंड प्रैक्टिकल के बिना कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, एंड हमारे सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। दिस इज अनदर सब्जेक्ट जो हमारा प्रैक्टिकल पे ही होगा ये। राजीव जी का माइक फ्यूज हो गया, सेम्स सब नेटवर्क इशू, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो रिकॉर्डिंग में आ गया, राजीव जी मे बी कैन लिसन लेटर ऑन। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर पर्सन? किसी से? ज्योतिर जी चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का अपना समय देने के लिए, अपना कीमती समय हमें दिया। मोनिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा डिलीवरी किया आज, थैंक यू आपका, धन्यवाद। नमस्कार आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।